नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है सीताराम और आप देख रहे हैं ग्रोथ फार्मर यूट्यूब चैनल। ग्रोथ फार्मर यूट्यूब चैनल में किसान भाइयों आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज मैं आपको बताने वाला हूं बायर की एक प्रोडक्ट जंप के बारे में। 80% किसान जंप को जानते हैं और इसे नाम से मांगते हैं और 20% किसान नहीं जानते जंप के बारे में। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ बायर का प्रोडक्ट जंप के बारे में। जंप इसमें टेक्निकल होता है आपका फिप्रोनिल 80% WG। WG मतलब व्हाटएवर ग्रेन्यूल फॉर्म में होता है और ये सफ़ेद मच्छर और थ्रिप्स के लिए स्पेशल होता है। थ्रिप्स जो चिली मतलब मिर्च में जो पान सिकुड़ता है, पत्ता सिकुड़ता है, उसमें भी यह काम करता है और सफ़ेद मच्छर में ये बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है, उसी के लिए यह स्पेशल बना हुआ है। अब मैं आपको बता दूँ, इसके अलावा सफ़ेद मच्छर और थ्रिप्स के अलावा यह एफिड्स पर, जेसिड्स पर, लिप माइनर पर, लूसी बग पर, मिली बग पर, बीटल पर, लिप हॉपर पर यह आसानी से काम करता है। और मैं आपको बताता हूँ ये कितने कितने दिनों तक काम करता है। ये सफ़ेद मच्छर और थ्रिप्स पर 15 दिन तक इसका कंट्रोल रहता है और एफिड्स और जेसिड्स पर 8 से 10 दिन तक रहता है। जो एफिड्स, जेसिड्स, लिफ माइनर, लूसी बग, मिली बग, बीटल, लूप होपर, इन सब में यह 8 से 10 दिन तक ये काम करता है। और ये इनिशियल लेवल पर इल्लियों पर भी काम करता है, जैसे टमाटर के छोटे छोटे इल्ली रहते हैं पत्ती में जो नर्सरी की अवस्था में, उस वहाँ पे भी यह काम करता है। और इसका डोज की बात करें तो इसकी 15 लीटर पानी में 2 ग्राम डालना चाहिए। इसके अंदर पाउच होता है, मैं आपको खोल के भी दिखा रहा हूँ। इसके अंदर 2-2 ग्राम की पाउचें होती है यहाँ पे। तो 15 लीटर पानी में आप 2 ग्राम जंप का उपयोग कर सकते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं। और इसका अगर ये सावधानी एक तो इसमें ये है कि अगर जिस भी फसल में मधुमक्खी की आवश्यकता पड़ती है उनमें इसको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये मधुमक्खी को नष्ट कर देती है। ये आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ऑल पर सेलेक्ट जरूर करें, ताकि ऐसे ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुँचती रहेंगी। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।